science class i'm capsimis here for making your science easy we are studying our chapter crop production and today we are going to study the point nitrogen cycle nitrogen cycle nitrogen is one of the important gas in the atmosphere this gas is used by living things especially by plants nitrogen is used by life forms to carry out different functions of life for example it is needed for formation of proteins amino acids and nucleic acids proteins amino acids and nucleic acid like enzymes it is specially important for, for plants growth if there is no nitrogen the life of plant will be in danger in atmosphere nitrogen is 78 percent नाइट्रोजन इन इट्स गैसियस फॉर्म इज ऑलमोस्ट इंटायरली टू लाइफ फॉर्म्स जो एटमोस में नाइट्रोजन है वो नाइट्रोजन लाइफ फॉर्म के लिए उन्हें वो यूज करने को नहीं आता है पॉसिबल नहीं होता है इट मस्ट फर्स्ट बी कन्वर्टेड और फिक्सड इन टू अ मोर यूज फॉर्म मेनली सोल्यूबल नाइट्रेट ये जो एटमॉस्फेयर का नाइट्रोजन है वो नाइट्रोजन फिक्स होना चाहिए या फिर यूजेबल फॉर्म में वो कन्वर्ट होना चाहिए तो लिविंग थिंग्स उसे यूज कर सकते हैं द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग नाइट्रोजन इनटू द फॉर्म्स इन व्हिच इट कैन बी यूज्ड बाय प्लांट्स इज कॉल्ड एज नाइट्रोजन फिक्सेशन ये जो एटमोस्फियर का नाइट्रोजन है ये यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट होता है इस प्रोसेस को बोला जाता है नाइट्रोजन फिक्सेशन वॉट इज नाइट्रोजन फिक्सेशन द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग नाइट्रोजन इन टू अ फॉर्म इन विच इट कैन बी यूज बाई प्लांट्स इज कॉल्ड एज नाइट्रोजन फिक्सेशन इन नेचर नाइट्रोजन फिक्सेशन इज डन बाई बैक्टीरिया इन द सॉइल कन्वर्ट है, करते हैं ये हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म के स्टडी के टाइम में देखा था There are other bacteria that आर अदर बैक्टीरिया इट्स गैसियस फॉर्म आफ्टर नाइट्रोजन इज fixed.

साइकिल को बोला जाता है नाइट्रोजन साइकिल व्हाट इज नाइट्रोजन साइकिल द साइक्लिक प्रोसेस ऑफ नाइट्रोजन बीइंग फिक्स्ड यूज्ड बाय प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड लेटर रिटर्न टू द एटमॉस्फेयर इज रेफर्ड एज द नाइट्रोजन साइकिल और वी कैन यूज दिस डेफिनेशन आल्सो सर्क्युलेशन और मूवमेंट ऑफ नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमोसफियर दीन्स फिजिकल आर अबिक कॉम्पोन टू दॉइल सॉइल मींस बायोटिक कॉम्पोनंट एंड बैक इन टू द एटमोस्फियर इज नोन एज नाइट्रोजन साइकिल ये दोनों भी डेफिनेशन हम अपने नोटबुक में नोट डाउन करेंगे ये वाली एक डेफिनेशन नाइट्रोजन साइकिल की और आपकी बुक में जो दी गई है नाइट्रोजन साइकिल की डेफिनेशन वो भी आप नोटबुक में नोट डाउन करेंगे ये जो साइक्लिक प्रोसेस है नाइट्रोजन साइकिल की इसमें पांच स्टेप्स इन्वॉल्व है आपको स्क्रीन पे ये पांच स्टेप्स दिखाई दे रहे हैं फर्स्ट स्टेप है नाइट्रोजन फिक्सेशन नाइट्रोजन फिक्सेशन नाइट्रोजन कैसे फिक्स किया जाता है स्टेप इस नाइट्रोजन नाइट्रोजन एसिमिलेशन। को यूज में कैसे लाया जाता है इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन को ऑर्गेनिक फॉर्म में कन्वर्ट करके कैसे यूज में लाया जाता है थर्ड स्टेप है अमोनिफिकेशन फोर्थ स्टेप इज नाइट्रिफिकेशन एंड फिफ्थ स्टेप इज डी नाइट्रिफिकेशन

किसलिए नेसेसरी है वाई इट इज इम्पोर्टेंट नाइट्रोजन फिक्सेशन इज इम्पोर्टेंट वाई बिकॉज प्लांट कैनॉट यूटिलाइज एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन प्लांट जो है वो एटमोस्फियरिक नाइट्रोजन यूज नहीं कर सकते हैं सो इट शुड बी कन्वर्टेड इन टू यूजेबल फॉर्म सच एज अमोनिया इसे एटमोस्फियरिक नाइट्रोजन को यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना नेसेसरी है इसलिए नाइट्रोजन फिक्सेशन ये जो स्टेप है ये इम्पोर्टेंट है अब फॉर्म्स कौन से है नाइट्रोजन के अमोनिया ये यूजेबल फॉर्म है अमाइनो एसिड्स ये भी यूजेबल फॉर्म है अब ये जो नाइट्रोजन फिक्सेशन स्टेप है ये जो नाइट्रोजन फिक्सेशन प्रोसेस है ये टू स्टेप में टू वेज में की जाती है फर्स्ट तो है एटमोसफियरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन एंड सेकंडलॉजिकल नाइट्रोजन सबसे पहले हम देखेंगे ऑर्गेनिज्म लिविंग ऑर्गेनिज्म के थ्रू ये एटमोस्फियरिक नाइट्रोजन जो है वो ऑर्गेनिक नाइट्रोजन कंपाउंड्स में कन्वर्ट होता है इसके लिए लिविंग ऑर्गेनिजम्स हेल्प करते हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कॉल्ड राइज़ोबियम बैक्टीरिया आर फाउंड इन सॉइल ये जो बैक्टीरिया आपको दिखाई दे रहे हैं ये राइज़ोबियम बैक्टीरिया है जो सॉइल में प्रेजेंट होते हैं दे आर आल्सो फाउंड इन रूट्स नोड्यूल्स ऑफ लेग्युमिनस प्लांट्स ये बैक्टीरिया जो है वो लेग्यूमिनस प्लांट के रूट के नोड्यूल्स पे भी प्रेजेंट होते हैं अब सिर्फ राइजोबियम ये बैक्टीरिया नाइट्रोजन को नाइट्रोजन कंपाउंड में कन्वर्ट नहीं करता है और भी कुछ बैक्टीरिया है जो ये नाइट्रोजन फिक्सेशन की प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू करते हैं जैसे कि क्लोस्टोरोडियम क्लोस्टोरोडियम स्टॉक एज है टू बैक्टर एंड एनाबेनिया एग्जाम्पल ऑफ बैक्टेरिया दैट कन्वर्ट एटमोस्फियरिक नाइट्रोजन इंटू नाइट्रोजन कंपाउंड अब ये जो है ये बैक्टेरिया सॉइल में प्रेजेंट होते हैं या फिर लेग्यूमिनस प्लांट के नूडुल्स पे अब ये कन्वर्ट है? है, करते हैं जिस प्लांट के रूट्स नाइट्रोजन को एटमोसफियरिक नाइट्रोजन को नाइट्रोजन कंपाउंड में कन्वर्ट करते हैं उन प्लांट को लेग्युमिनस प्लांट्स बोला जाता है ये उनमें लेग्यूम्स होते हैं उनके रूट के पॉइंट पे और इसीलिए उन्हें लेग्युमिन प्लांट बोला जाता है कौन सा एग्जाम्पल है लेग्युमस प्लांट के ऑल तो दाल के जो पूरे प्लांट्स हैं वो सभी लेग्य प्लांट्स है एज वेल एज ग्राउंडनट का जो प्लांट है ग्राउंडनट बीन्स है तो ऐसे जो प्लांट है वो लेग्युमिनस प्लांट है वो एटमोस्फियरिक नाइट्रोजन को नाइट्रोजन कंपाउंड में कन्वर्ट करने वाले जो बैक्टीरिया है वो वहां हैं और इसीलिए इन प्लांट के थ्रू हमें अमाइनो एसिड्स मिलते हैं है ना प्रोटीन मिलता है दाल में से हमें प्रोटीन मिलता है तो जिन जिन प्लांट से हमें प्रोटीन मिलता है उन सभी प्लांट को लेग्युमनस प्लांट्स बोला जाता है तो ये लेग्युमस प्लांट्स के रूट्स के पास ये नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है ये तो है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन अब हम देखेंगे एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है लाइटनिंग कॉजेस हाई टेम्परेचर विच रिजल्ट इन अ रिएक्शन बिटवीन नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन ईयर टू प्रोड्यूस ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन लाइटनिंग जो होती है रेनफॉल के टाइम हमें लाइटनिंग दिखते हैं स्पेशली मानसून सीजन में हम लाइटनिंग देख सकते हैं बिजली कड़कना जिसे हम बोलते हैं यस, yes, वो लाइटनिंग जो है उसमें हाई टेम्परेचर ये लाइटनिंग क्या है इट इज अम ऑफ हिट हीट की वजह से यहाँ पे हाई टेम्परेचर प्रेजेंट होता है और इस हाई टेम्परेचर की वजह से ईयर में जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की रिएक्शन होके ऑक्साइड्स तैयार होते हैं और यही है चेंजिंग नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजन ऑक्साइड इट इज एटमोस्पियर नाइट्रोजन फिक्सेशन प्रोसेस दिस डिजोल्व इन रेन वॉटर फॉर्मिंग डायलूट नाइट्रिक एसिड दिस नाइट्रिक एसिड रिएक्ट विद द अल्कलीज ऑफ द टू टर्न इनटू नाइट्रेट्स अब ये जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स क्रिएट हुए हैं ईयर में ये ऑक्साइड्स रेन अब ये कब क्रिएट हुए हैं लाइटनिंग के टाइम में लाइटनिंग कब होती है रेन रेनी सीजन में रेन के टाइम में है ना तो ये जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स क्रिएट हुए हैं ये ऑक्साइड्स रेन वाटर में डिजोल्व होते हैं और उससे बनता है डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड इसी से बनता है डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड वाटर के साथ वो मिक्स हो जाता है वाटर में वो डिजॉल्व होता है और नाइट्रिक एसिड उससे बनता है जो कि वाटर में डिजोल्व होने की वजह से वो डाइल्यूट होता है और ये वाटर जब सॉइल के ऊपर फॉल होता है ये रेन जब अल्कलीज के, तो के साथ रिएक्ट करता है सॉइल में जो अल्कलीज प्रेजेंट होते हैं उसके साथ ये रिएक्ट करता है और नाइट्रेट्स फॉर्म करता है अब ये जो रेनफॉल है ऐसा जहां पे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से नाइट्रोजन ऑक्साइड बना है नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स बने हैं और वो वाटर में मिक्स होकर नाइट्रिक एसिड बना है इस रेन को एसिड रेन बोला जाता है इन रेन को एसिड रेन भी बोला जाता है जो स्केल में डेंजरस होते हैं ये नेचुरल प्रोसेस है तो एटमोस्फियर में नाइट्रोजन फिक्सेशन कैसे होता है एटमोस्फियरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन कैसे होता है ये प्रोसेस मैंने आपको बताई है यहाँ पे आपके बुक में कुछ रिएक्शंस दिए हैं नाइट्रोजन और ऑक्सीजन कैसे रिएक्ट होते हैं और उससे कौन सा प्रोडक्ट हमें मिलता है वो रिएक्शंस आपके नोटबुक में दिए गए हैं आपके बुक में सॉरी आपके बुक में दिए गए हैं वो आप नोटबुक में नोट डाउन करेंगे उनके नाम के साथ यन जिसका नेम है नाइट्रोजन <टु> ओ टू जिसका नेम है ऑक्सीजन N2 एन टू प्लस ओ टू टू नाइट्रोजन ऑक्साइड नाइट्रोजन ऑक्साइड ये नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है यनओ वो फिर से रिएक्ट होता है ऑक्सीजन के साथ टू यनओ प्लस ओ टू टू एन ओ टू नाइट्रोजन डाइऑक्साइड नोटू मीन्स नाइट्रोजन डाइऑक्साइड अब ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वाटर और ऑक्सीजन के साथ मिलके बनाता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड या चनो थ्री मीन्स नाइट्रिक एसिड सॉरी नाइट्रिक एसिड ये फॉर्म करता है और लास्ट वाली जो रिएक्शन है कैल्शियम कार्बोनेट प्लस नाइट्रिक एसिड ये क्या देता है कैल्शियम नाइट्रेट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड तो यहाँ पे नाइट्रेट बन जाता है कैल्शियम कार्बोनेट से ये नाइट्रिक एसिड रिएक्ट होता है तो उससे बनता है कैल्शियम नाइट्रेट वो नाइट्रेट कंपाउंड है ना अब ये कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो क्या है नेचर में इसे अपने लाइफ में इसका नेम क्या है जनरल नेम जिसे हम बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट ये केमिकल नेम हुआ उसका उसका जनरल नेम है लाइमस्टोन लाइमस्टोन के साथ जब ये नाइट्रिक एसिड रिएक्ट होता है तो ये कैल्शियम नाइट्रेट ये कंपाउंड बनाता है ये रिएक्शन आप नाम के साथ आपके नोटबुक में नोट डाउन करेंगे यह है एटमोसफियरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन द नेक्स्ट स्टेप इन नाइट्रोजन साइकिल इज नाइट्रोजन एसिमुलेशन द प्रोसेस ऑफ एब्सॉर्बिंग नाइट्रेट्स एंड अमोनिया इन टू ऑर्गेनिक नाइट्रोजन इज कॉल्ड एज नाइट्रोजन एसीमुलेशन ये जो नाइट्रेट्स बने हैं कौन से अमोनिया और नाइट्रेट्स अमोनिया पे बना है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में अमोनिया बनता है लिविंग थिंग कन्वर्ट करते हैं एटमोस्फियरिक नाइट्रोजन को अमोनिया में है ना और ये जो नाइट्रेट है ये कहाँ पे बना है ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से रिएक्शन होके ये नाइट्रेट्स बने है ना तो ये जो नाइट्रेट्स है नाइट्रेट्स अमोनिया ये प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं द प्लांट एब्जॉर्ब दिज नाइट्रेट्स फ्रॉम द सॉइल सॉइल में ये नाइट्रेट्स मिल जाते हैं ये सॉइल में से प्लांट उन्हें एब्जॉर्ब करते हैं एंड कन्वर्ट देम इनटू प्लांट प्रोटीन और ये नाइट्रेट्स को और अमोनिया को वो प्रोटीन में कन्वर्ट करते हैं प्लांट जो है सॉइल में से इन्हें एब्जॉर्ब करके इन्हें प्रोटीन में कन्वर्ट करते हैं ये जो प्रोसेस है इसे बोला जाता है नाइट्रोजन एसिमुलेशन

प्लांट में ये प्रोटीन जो मेक होता है हमें प्रोटीन अभी मैंने आपको बताया दाल दाल से हमें प्रोटीन मिलता है तो ये जो प्रोटीन देने वाले प्लांट है उन्हें जब हम ईट करते हैं हर्बीवर्स जब उन्हें ईट करते हैं तो वो प्रोटीन उनके बॉडी में एंटर होते हैं और कार्निवर्स को ये प्रोटीन कैसे मिलता है तो जब कार्निवर हर्बीवर्स को ईट करते हैं तो उनके बॉडी में का प्रोटीन कार्निवर्स को मिल जाता है

एनिमल डाई हो जाता है मर जाता है तो उनके जो रिमेंस है वो सोइल में मिक्स होते कैसे मिक्स होते हैं उनका डीकंपोजिशन होता है कौन डीकंपोज करता है उन्हें तो जो बैक्टीरिया फंगी जो डीकंपोजर्स सोइल में प्रेजेंट होते हैं वो उस बॉडी को फिर वो प्लांट की हो या एनिमल की हो वो उस बॉडी को डीकंपोज करते हैं डीकंपोज करना मतलब क्या वो उनके बॉडी पार्ट्स को स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट करते है सॉइल के जैसे स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट करते है वो सॉइल में मिक्स हो जाता है और इसमें क्या होता है अमोनिया जो है वो अमोनियम कंपाउंड बन जाता है बॉडी में जो अमोनिया प्रेजेंट है वो अमोनियम कंपाउंड बन जाता है अब ये अमोनिया कहा से है बॉडी में जो हम प्रोटीन ईट करते हैं उससे अमाइनो एसिड्स बनते हैं मालूम है हमें हमने लास्ट ईयर हमने सीखा था जब हमने डाइजेस्टिव सिस्टम सीखा था टाइम मैंने आपको बताया था जो प्रोटीन हम ईट करते हैं बॉडी में जाने के बाद उस प्रोटीन का क्या बनता है सिंपलर कंपाउंड अमोनियम अमोनिया एसिड सॉरी तो ये अमोनिया बॉडी का अमोनिया फिर वो एनिमल बॉडी का हो या प्लांट बॉडी का हो ये अमोनिया अमोनियम कंपाउंड में कन्वर्ट होता है किसके थ्रू ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिज्मिकोजर के थ्रू ये कन्वर्ट होता है और ये जो प्रोसेस है इसे बोला जाता है अमोनिफिकेशन वॉट इज अमोनिफिकेशन द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग ऑर्गेनिक नाइट्रोजन इंटू अमोनिया एंड वेन एनिमल्स डाई कब होता है ये कन्वर्जन जब एनिमल या प्लांट डाई होता है तब प्रोसेस ऑफ प्रोटीन इंटू अमोनिया आपके बुक में डेफिनेशन दी गई है द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक प्रोटीन इंटू अमोनिया इज कॉल्ड एज अमोनिफिकेशन आप वो लर्न कर सकते हैं या फिर यहाँ पे जो दी गई है डेफिनेशन द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग ऑर्गेनिक नाइट्रोजन इंटू अमोनिया सिर्फ क्या किया है कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड को ऑर्गेनिक नाइट्रोजन लिखा है बस बाकी डेफिनेशन सेम है द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग ऑर्गेनिक नाइट्रोजन इंटू अमोनिया वेन एनिमल डाई इज नोन एज अमोनिफिकेशन और अमोनिफिकेशन को ही और एक नेम है मिनरल मिनरेलाइजेशन मिनरलाइजेशन हम बोलते हैं प्लांट्स मिनरल्स एब्जॉर्ब करते हैं जो रूट्स है प्लांट के रूट्स है वो सॉइल से मिनरल एब्जॉर्ब करते हैं मिनरल क्या है ये जो डेड प्लांट्स और एनिमल्स है ये डिकम्पोज होके उनके रिमेन्स सॉइल में मिक्स हो जाते हैं यही मिनरल्स है यस yes? ये मिनरलाइजेशन भी बोला जाता है अमोनिफिकेशन को यस देन नेक्स्ट स्टेप इन नाइट्रोजन साइकिल इज नाइट्रिफिकेशन उससे पहले ये अमोनिफिकेशन की जो प्रोसेस है मैं यहाँ पे आपको दिखाती हूँ एनिमेशन में देखो ये डेड एनिमल्स के बॉडी से जो अमोनिया है वो मिक्स हो रहा है किसके थ्रू फंगी एंड बैक्टीरिया के थ्रू दिस प्रोसेस इज कैरिड आउट बाय फंगी और बैक्टीरिया अब ये जो अमोनिया है ये वल्केनिक इरप्शन से भी प्रोड्यूस होता है और एक्सक्रीटरी सिस्टम से जो प्रोडक्ट बाहर निकलते हैं वो भी अमोनिया ही होते हैं नेक्स्ट जो है वो नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस वो हम देखेंगे अब अमोनिफिकेशन में जो कंपाउंड्स बने हैं वो कंपाउंड्स उसमें के कुछ कंपाउंड प्लांट एब्जॉर्ब कर लेते हैं लेकिन सभी के सभी तो प्लांट एब्जॉर्ब नहीं कर सकते हैं हर जगह पे तो प्लांट नहीं होते हैं तो बाकी के जो कंपाउंड रह जाते हैं वो सॉइल में ही रहते हैं और वो कंपाउंड कन्वर्ट होते हैं नाइट्रेट्स में और इन कंपाउंड को नाइट्रेट में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है फिर से बैक्टीरिया। यह जो प्रोसेस है इसे बोला जाता है नाइट्रीफिकेशन तो ये बैक्टीरिया, इन बैक्टीरिया को बोलता, बोला जाता है नाइट्रीफाइंग द कंपाउंड्स इन अमोनिफिकेशन अमोनिफिकेशन आर टेकन अप

अमोनिफिकेशन में जो कंपाउंड्स बने हैं उन्हें नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करते हैं और ये जो कन्वर्जन की प्रोसेस है इसे बोला जाता है नाइट्रिफिकेशन व्हाट इज नाइट्रिफिकेशन अमोनिया इज फर्स्ट कन्वर्टेड टू नाइट्रेट्स कैसे होती है देखो ये प्रोसेस यहाँ पे ये कन्वर्जन हुआ है और ये कन्वर्जन किसके थ्रू हुआ है nitrobacter now, how can we write the definition of nitrification the process of conversion of ammonia into nitrates is called as nitrification and the last step is denitrification what is the, this denitrification we will see अब ये जो डीनाइट्रिफिकेशन है यहाँ पे भी एक बैक्टीरिया नेसेसरी है और यहाँ पे जो बैक्टीरिया यूज होता है वो है डीनाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया नाइट्रिफिकेशन में जो बैक्टीरिया यूज होता है या फिर जो बैक्टीरिया उसमें इन्वॉल्व होता है उसे बोला जाता है नाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया और डी में जो बैक्टीरिया इन्वॉल्व होता है उसे बोला जाता है डी बैक्टीरिया सम ऑफ द नाइट्रेट्सेशन में नाइट्रेट्स फॉर्म हुए है नाइट्रेट्स ये नाइट्रेट्स कुछ प्लांट के थ्रू एब्सॉर्ब किए जाते हैं प्लांट उसे यूज करते जहां पे प्लांट हम लगाते हैं वहां पे वो प्लांट के रूट उन्हें एब्जॉर्ब करते हैं लेकिन जहाँ पे प्लांट नहीं है वहां पे इन नाइट्रेट्स का क्या होता है तो वो कन्वर्ट होते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड में और नाइट्रिक ऑक्साइड फिर से कन्वर्ट होता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में टू गैस जो कि एटमोसफियर में प्रेजेंट है ये नाइट्रिक ऑक्साइड फिर से कन्वर्ट हो जाता है इस एटमोसफियरिक नाइट्रोजन गैस में और ये कन्वर्ट करने का काम कौन करता है डी बैक्टीरिया ये जो प्रोसेस है नाइट्रेट से नाइट्रोजन गैस बनने की गई है देखो नाइट्रेट्स आर कन्वर्टेड इनटू मोलिकुलर नाइट्रोजन थ्रू नाइट्रिक ऑक्साइड इज नोन एज डिनाइट्रिफिकेशन इन ऑर्डर टू में

वो नाइट्रोजन गैस कैसे यूज में लाई जाती है वो प्लांट के लिए कैसे यूजफुल होती है वो अपने बॉडी में कैसे जाती है और फिर से उसका एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन गैस कैसे बनता है? ये जो पूरी प्रोसेस है इसे बोला जाता है नाइट्रोजन साइकिल। फाइव स्टेप में ये नाइट्रोजन साइकिल वर्क करता है ये फाइव के फाइव स्टेप्स हमने यहाँ पे स्टडी किए हैं तो यहाँ पे हमने पूरी नाइट्रोजन साइकिल स्टडी की है पांच स्टेप जो है उसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन एटमोस्फियरिक नाइट्रोजन जो है वो सॉइल में कैसे मिक्स होता है वो है नाइट्रोजन फिक्सेशन देन नाइट्रोजन एसिमुलेशन ये जो सॉइल में मिक्स हुए वाला नाइट्रोजन है वो कैसे यूज होता है थ्रू प्लांट्स और प्लांट के थ्रू अपने बॉडी में एनिमल्स के बॉडी में वो कैसे जाता है वो नाइट्रोजन देन अमोनिफिकेशन वो जो बॉडी में एनिमल के प्लांट के बॉडी में नाइट्रोजन गया है नाइट्रेट्स गए हैं वो फिर से वो एनिमल प्लांट डाई होने के बाद वो मरने के बाद वो फिर से नेचर में कैसे मिक्स होता है सॉइल में कैसे मिक्स होता है वो अमोनिफिकेशन स्टेप में हमने देखा फिर नाइट्रिफिकेशन में जो सॉइल में वो नाइट्रेट्स मिक्स हुए, वो अमोनिया मिक्स हुआ है उसका उसके नाइट्रेट्स कैसे बनते हैं, वो प्रोसेस नाइट्रिफिकेशन हमने देखी और ये जो नाइट्रेट्स है ये फिर से एटमोस्पियर नाइट्रोजन गैस में कैसे कन्वर्ट होता है ये हमने देखा ये जो फाइव स्टेप्स है इस स्टेप से बनता है नाइट्रोजन साइकिल नाइट्रोजन ये, ये हमने प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट की लास्ट एक पॉइंट अपना रह गया है है फूड फ्रॉम एनिमल्स हमें मालूम हम बहुत सारा फूड सभी का सभी फूड हम हमें प्लांट से नहीं मिलता है फूड के टू सोर्सेस हमें मालूम है प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स तो प्लांट का फूड हमने देख लिया एनिमल्स से हमें कौन सा फूड मालूम मिलता है हमें मालूम है हमने के में भी ये सीखा था लाइक प्लांट्स एनिमलो प्रोवाइड अस विद डिफरेंट प्रोडक्ट्स जैसे काउ से हमें, मिलता है, इन एनिमल से हमें मिलता है, वो हम यूज करते हैं वो एज अ फूड कंप्लीट फूड बोल के मिल्क यूज में लाया जाता है मिल्क प्रोडक्ट्स यूज किए जाते हैं कुछ एनिमल्स का मीट यूज किया जाता है वो एनिमल्स मीट के लिए डोमेस्ट किए जाते हैं जैसे कि गोट है

फूड के लिए जो एनिमल्स डोमेस्ट किए जाते हैं जैसे कि काउ है, है गोड्स है फिर वो मिल्क के लिए डोमेस्ट किए जाते हो एग्स के लिए या फिर मीट के लिए डोमेस्ट किए जाते हो वो जो डोमेस्ट किए वाले एनिमल्स है उनकी केयर करना नेसेसरी होता है उन्हें फीड करना नेसेसरी होता है उनके ब्रिड्स जो ऑफस्प्रिंग उनसे मिलते हैं उनकी केयर करना नेसेसरी होता है ये जो है ये जो पूरे स्टेप्स है एनिमल को डोमेस्ट करने के इन्हें बोला जाता है एनिमल एनिमल्स फॉर फूड एंड अदर एनिमल द काइंड ऑफ एनिमल्स दैट प्रोवाइड फूड आर जैसे मैंने बोला है मिट एंड एग इंग एनिमल्स मिट मीट और एग्स देने वाले एनिमल्स गोट पोल्ट्री एनिमल्स लाइक चिकन डक चीन फिश फिश बहुत सारे लोग खाते हैं शिप का भी मीट यूज किया जाता है और मीट यूज किया जाता है द लार्ज स्केल रियरिंग ऑफ फिश फॉर फूड इज नोन एजीकल्चर टीसीकल्चर फिश जो डोमेस्ट किए जाते हैं पॉन्ड्स लगाए जाते हैं फिश टैंक्स बनाए जाते हैं उसमें फिश को पाला जाता है फूड के लिए या फिर फिशिंग की जाती है रिवर्स में ओशन में सी में जो फिशिंग की जाती है फूड जो फिश से हमें मिलता है इसे क्या बोला जाता है पीसी कल्चर द लार्ज स्केल रियरिंग ऑफ फिश वट इज पीसी कल्चर द लार्ज स्केल रियरिंग ऑफ फिश फॉर फूड ल्चर ये हो गया मीट और एग इंग एनिमल्स के बारे में डोमेस्ट किया जाता है सचेज काउ बफेलो गोट्स कैमल्स ये जो एनिमल्स है मिल्क इज ऑल्सो यूज टू प्रिपेयर लार्ज नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स मिल्क से बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं जैसे मिल्क का क्रीम है मिल्क के क्रीम से बनता है बटर मिल्क बटर मिल्क के ऊपर आता है बटर बटर से बनता है घी देन चीज़ बनाया जाता है मिल्क से पनीर बनाया जाता है तो ये डिफरेंट प्रोडक्ट्स मिल्क से बनाए जाते हैं ये मिल्क जिन एनिमल से हमें मिलता है वो एनिमल क्या बोला जाता है उन्हें जो हमें करते है, जैसे कि हनी बी हनी भी क्या करती है? हनी करती है जो हनी बहुत यूजफुल है हम यूज करते हैं वो मेडिसिन में भी यूज किया जाता है हनी बी प्रोवाइड विध हनी लार्ज स्केल रियरिंग ऑफ हनी बी इज कॉल्ड एज एपीकल्चर ये जो नए टर्म्स आपको मिले हैं, पीसीकल्चर एपीकल्चर मिल्च एनिमल्स एनिमल हजबी ये बहुत हार्ड नहीं है सिर्फ नए वर्ड्स है इनके बारे में हमें पहले से ही मालूम है सिर्फ वर्ड्स नए हैं, ये आप थोड़ा सा याद करेंगे इन्हें ध्यान में रखेंगे वॉट इज एनिमल हजबेंड्री द ब्रीडिंग फीडिंग एंड केयरिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स फॉर फूड एंड अदर पर्पज इज कॉल्ड एज

हनी बी इस कॉल्ड एज एपीकल्चर ये जो शॉर्ट वाले डेफिनेशन है ये भी आप आपके नोटबुक में नोट करेंगे नाइट्रोजन साइकिल्स के स्टेप्स आप आपके नोटबुक में नोट करेंगे और यहाँ पे इस वीडियो में मैंने जो भी आपको नोट डाउन करने के लिए बोला है आ, कुछ शॉर्ट डेफिनेशन भी है जो अपने बुक से इजियर है वो वाले डेफिनेशन भी आप आपके नोटबुक में नोट डाउन करेंगे यहाँ पे हमने अपना चैप्टर क्रॉप प्रोडक्शन खत्म किया है इसके बारे में आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे पर्सनल नंबर पे कॉल कर सकते हैं या फिर मैसेज कर सकते हैं मुझे मैं आपके प्रॉब्लम सॉल्व करूंगी ओके